हेलो गाइस, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी अनाउंस किया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ अपडेट आया तो इसके रिलेटेड मोदी जी ने जो अनाउंस किया तो चलिए वो देखते हैं। आप देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। जैसा मोदी जी ने बोला कि 6 लाख गांव में 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर केबल से गांवों को कनेक्ट किया जाए, तो ये बड़े मास स्केल पे हम देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रेस शुरू होने। जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो अंडमान निकोबार से कनेक्ट हो चुकी है और एयरटेल ने 4G नेटवर्क भी डालने शुरू कर दिए। ओके, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी वैसे वैसे सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ेगी, तो वो भी मोदी जी ने बताया, तो चलिए वो भी देखते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में साइबर स्पेस, ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है, और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चला। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।